नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। काफी दिनों से हमारी भी तबीयत खराब चल रही थी, आज कुछ पहले से ठीक लग रहा है, तो हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतर वीडियो लाए हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहन पूरा देख के जाएंगे, और आज के इस वीडियो को सभी आंगनबाड़ी बहनों को भी शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में बहुत दम है। सबसे पहले तो आपको एक कड़वी सच्चाई बता दूं कि हर 100 साल बाद में महामारी आती है और यह तबाही मचाती है। सबसे पहले 1720 में मार्सले का एक प्लेग चला हुआ था, 1720 ईस्वी में, और उसके बाद 1820 में द फर्स्ट कॉलर वगैरह के नाम से हैजा आया था। तब यहां पर बता दूं हैजे से भी काफी लोगों की जाने गई थी। उसके बाद 1920 में स्पेनिश फ्लू आया था और उससे भी बहुत ज्यादा जाने गई थी, बहुत भयंकर तबाही मची थी। और अभी आपको बता दें हम 2020 चल रहा है, इसमें आपने देखा कोरोना वायरस आया। तो हर 100 साल में एक ना एक महामारी आती है और तबाही मचाती है, यह कड़वा सत्य है। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लोगों की किस्में कितनी जाने गई थी वो सब भी इसमें लिखा हुआ है। लगभग 5 करोड़ लोगों की जाने शायद इंडिया में गई थी, यह तबका है, या एशिया में पूरे में गई होंगी, यह तबका पूरा मैटर लिखा हुआ है। अब फिलहाल के लिए हम आगे चलते हैं, आज जो हो रहा है उसकी तरफ और ध्यान देते। एक मैसेज आया, एक बहुत ही दुखद समाचार है। मनोहरपुर सिपाही की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती विमला देवी जो विकलांग हैं, उसका हस्बैंड दिल्ली से आ रहा था, आज सुबह लखनऊ और बाराबंकी के बीच बस का एक्सीडेंट हो गया जिससे विमला के पति का देहांत हो गया। तो बहुत ही ज्यादा दुखद है, और ऐसे में काफी लोग जो है बाहर से आ रहे हैं, अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, ऐसे में रास्ते में कभी एक्सीडेंट हो जाते, कभी लोग संक्रमित हो जाते, तो बाद में दिक्कतें होती हैं। तो फिलहाल के लिए आप देखिए, विकलांग बहन थी और उनके पति आ रहे थे, उनकी भी डेथ हो गई। अब उनका भाई भी जो है वो भी सीरियस है। अब बताओ इस समय उसकी लाश लखनऊ पोस्टमार्टम वगैरह के लिए वहां गई है, शाम तक शायद वहां से लाश आ जाए। अस्पताल वाले देने से लाश को इनकार भी कर रहे हैं, दो गाड़ी भरकर के लोग भी वहां से गए हैं। देखो आगे क्या होता है। विमला बहन को दुख सहन करने की भगवान शक्ति दे, ये मेरे पास मैसेज आज आया हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं, एक और मैसेज आया, एक बहन ने लिखा है, कौन बहन है हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये जो इमोजी भेजी है बहुत ही गंदा है। क्यों? क्योंकि इनको ये नहीं पता है कब कौन सी इमोजी भेजनी चाहिए। लिखा है, सहारनपुर की सुपरवाइजर की आकस्मिक वगैरह मृत्यु हो गई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, ओम शांति। यहां पर देखिए, और बहन ने जो इमोजी लिखी वो हंसने वाली, जो कि गलत है, ये आपको शायद पता नहीं है। इनके अलावा बात करते हैं एक और कड़वी सच्चाई की, मानदेय के बारे में आपको बताना चाहेंगे। राजपति राजावत हैं, परियोजना है इनकी रौन भिंड यानी मध्य प्रदेश का, ये मामला है। लिखा है, नमस्ते भाई जी, आधा वेतन जो है कटावा दिया, ऐसे इन्होंने लिखा है, कटावा दिया या कटवा दिया या क्या वो कहना चाहती हैं मुझे नहीं पता। इन्होंने अपनी मर्जी से कटवाया कोरोना में या विभाग सरकार ने काट लिया। इन्होंने लिखे लिखा है, राज्य का 5500, केंद्र का 4500, लेकिन इनके खातों में पैसे कटके आए हैं। अब गवर्नमेंट ने अपने आप मुझे लगता है शायद काट लिए हैं। 2323 रुपया ये इनका बेचारी का, 2839 रुपया ये इनका बेचारी का। बताओ ये मात्र जो इनका इतने पैसे से घर बचर कैसे होगा इस लॉकडाउन में। अब ऐसे सरकारें अगर जानबूझ करके अगर पैसे भी काटने शुरू कर देंगी, अल्प मानदेय कर्मी जो लोग हैं उनकी सैलरी इस तरह से काटी जा रही है। अब आगे देखिए, अपने नेताओं से पूछना शुरू कीजिए आप लोग कि देश की स्वास्थ्य सुविधाएं तभी सुधरेंगी जब लोग अपने प्रतिनिधियों से पूछना शुरू करेंगे कि क्षेत्र की व्यवस्था सेवाएं उनका उन्होंने कितना ख्याल रखा है। तो यहां पर आप देखिए, चंद्रकांत वगैरह लहरिया जी हैं, जन नीति एवं स्वास्थ्य तंत्र विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा है कि अपने वहां के नेताओं से पूछिए कि उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के क्या किया आज तक। तो इससे आपको पता चलेगा कि हमारे देश में जो है क्या चल रहा है, विकास हो रहा है या सरकारें या नेता अपना विकास खुद का कर रही है। अस्पतालों में आज आप देख रहे हो, दिल्ली हो या अन्य कोई स्टेट हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल वहां पर केवल वीआईपी लोगों का इलाज अच्छे तरीके से हो रहा है। वीआईपी लोगों की जो रिपोर्टें हैं COVID-19 की वो भी तुरंत दे दी जाती हैं, बाकी लोगों की रिपोर्टें तीन तीन चार चार दिन
लगा दिए जाते हैं। अब बताओ ऐसे लापरवाही होती है, उसके अलावा कोई तरह का टेस्ट हो उसमें भी लोगों को लंबी लाइन लगानी पड़ती है, लेकिन वीआईपी लोगों को बहुत जल्दी हो जाता है, जैसे नेता लोग हैं। अभी फिलहाल के लिए हम यही आपसे कहना चाहेंगे, सवालों को करिए अपने नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से, वो जवाब दें कि उन्होंने कितना विकास किया, लोगों की देखभाल में क्या किया। एक साल कोरोना महामारी को हो चुका पूरे, सरकारें सुधरी नहीं, उन्होंने रैलियों पर फोकस किया, चुनावी प्रसार में पैसे फूंके, लेकिन अस्पतालों में तैनात बेचारे कर्मी, उनको ना पैसा दिया उनकी ड्यूटी का, ना ही जो उनको और उनकी संख्या बढ़ाई गई। आज हालात यह है कि अस्पतालों में जो है स्टाफ नहीं है, स्टाफ है तो वहां पर सुविधाएं नहीं है, मेडिकल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, जिसकी वजह से जो है लोगों की जाने जा रही है। तो पूरी तरीके से चीजें हैं। अभी आपको बताते हैं ऐसे और भी मामले आ रहे। राकेश हिंदू जी हैं, उनके द्वारा एक पोस्ट आई, इसमें लिखा है मेरी मम्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उसके बाद हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उनको 7 इंजेक्शन लगवाए थे, इतने महंगे महंगे, फिर मेरी मम्मी को आईसीयू रूम में पहुंचा दिया और रात में मेरी मम्मी की अब नेगेटिव रिपोर्ट दे रहे हैं। बताओ, पहले पॉजिटिव रिपोर्ट आती है और रात में ही वो उनकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव कर दी जाती है, मतलब ये कैसा रिपोर्ट है जो रात में, एक ही रात में जो है पॉजिटिव से जो है नेगेटिव कर देते हैं, अस्पताल वाले अपने आप ही रिपोर्ट बना देते हैं। हॉस्पिटल पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, कहां है प्रशासन और कहां है सरकार के सच्चाई उजागर करते रहे। ऐसे देखिए, ये बेचारी लड़की अपना बयां कर रही है, दुख दर्द इनकी मम्मी के साथ जो भी हुआ, ऐसे एक नहीं सैकड़ों वीडियो टहल रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन हमारी सरकारें वो ध्यान नहीं दे रही हैं और ये कह रही हैं कि जो है सब फेक है, ये इधर उधर है, जबकि फेक कुछ भी नहीं है। हम आपको बता दें देश में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं कुछ तो पार्टी भक्त हैं, देशभक्ति अलग चीज होती है, पार्टी भक्ति अलग चीज होती है, तो पार्टी भक्ति में इतना लीन है कि देश में क्या चल रहा है वो भी उनको खुली आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, सुखद बताया जा रहा है कि कोविड वैक्सीन जान का जोखिम घटाने में 100% असरदार है। अगर ये 100% असरदार है तो फिर इसके लगने के बाद भी लोग पॉजिटिव क्यों हो रहे हैं, और पॉजिटिव अगर वो हो रहे हैं उसके बाद लोगों की डेथ भी हो रही है, तो ये असरदार है कि नहीं है। लेकिन हमारी मीडिया, हमारे जो अखबार, हमारी सरकारें, ये जो भी आता है वो अपने हिसाब से दिखाते छापते हैं। फिलहाल इन चीजों को नहीं हम छेड़ेंगे, हम आपको एक सच्चाई और बता दें। अभी वैक्सीन को लेकर के पिछले महीने जिनको डोज लगे थे 45 वर्ष से ऊपर वाले, उनमें से दूसरे लोगों को जो 28 या 30 दिन में डोज लगना था उसकी डेट अचानक से बढ़ क्यों गई है? अब उनको उस डेट पर जो उनको दी गई थी उस पर उनका वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है जहां कहीं, इसका मतलब क्या हुआ? लोग कह रहे हैं कि 28 या 30 दिन में जो दूसरी डोज लगती है उसके डेट बढ़ा करके शायद 40 से ऊपर कुछ दिन कर दिए गए, जितने भी हो मुझे नहीं पता, 40 प्लस दिन बताए जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये गलत है और ये सरासर गलत है, यानी कोई नियम कायदे नहीं है कि कितने दिन के बाद में क्या होना चाहिए। अब देखिए, एडवोकेट है भाई, उन्होंने भी एक जानकारी भेजी। ये देखिए, चुनाव में ड्यूटी लगने से आंगनबाड़ी वर्करों ने जताई है नाराजगी। तो नाराजगी जताना बहुत ही जरूरी है ऐसे में, क्योंकि डीएम की ओर से बिलारी ब्लॉक की 200 आंगनबाड़ी वर्कर बहने हैं, ड्यूटी रिजर्व मतदान अधिकारी के तौर पर उनकी लगाई गई है, बहनों ने इसका विरोध किया है। और विरोध करें भी तो क्यों ना करें, आपको हम बता दें। देखिए, ये हमारी बहन ने भेजा कि जो है भैया, चुनाव में ड्यूटी लगी थी, मैं 4 दिन से बुखार से बहुत परेशान है, हम पैसे बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। किरण देवी एटा उत्तर प्रदेश से, हमारा पैसा जो है वो भी सरकार समय पर भेज नहीं रही है। और उसके अलावा आपको बता दे, काफी दिन हो चुके हैं, 7-8 दिन से ज्यादा हो गया उत्तर प्रदेश में पैसा खातों में लगे हुए, सक्सेस नहीं हुआ अभी तक। ये है उत्तर प्रदेश में जो है हाल, यहां पर डिजिटल इंडिया का मानदेय खाते में लगने के बाद भी सक्सेस नहीं हो पाता है। अभी फिलहाल के लिए अब चुनाव ड्यूटी में जो लोग गए थे, बहने गई थी, उनको भी बुखार आ रहा है, उनकी भी तबीयतें खराब है, काफी लोगों की जाने भी जा चुकी है। अब ऐसे में आप बताओ तो बहने विरोध आखिर क्यों ना करें? वहां पर ना स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है, ना पीपी किट मिलता है, कोई सुरक्षा किट का इंतजाम नहीं है, बस ऐसे ही ड्यूटी करो। पैसे के बारे में भी जब बात आती है, वो भी मेहनत से कम पैसा दिया जाता है, 600 रुपया अगर P3 वालों को मिलता है, उससे ज्यादा वो किराया भाड़ा में अपना खत्म कर रहे हैं, इतनी दूर दूर ड्यूटी लगाई गई है। बताओ, ये उनकी मेहनत का भी पैसा नहीं है। अब उसको छोड़ो, उनकी मेहनत का जो अल्प मानदेय है वो भी गवर्नमेंट नहीं देती है। जब सब कुछ ठीक होता है तो मानदेय बढ़ाने के बारे में भी कभी नहीं कहती, कहती है तो सिर्फ जुमले देती है, उसको पूरा नहीं करती। और आज जब सब कुछ इतना वो हो रहा है, कोरोना महामारी फैला हुआ, तब भी सरकार क्या कर रही है? केवल और केवल शोषण कर रही है, लगा करके कर्मचारियों से लेकर के जो बच्चे बेचारे मेडिकल लाइन में पढ़ रहे हैं उनका भी शोषण हो रहा है। उनको कभी नौकरी रोजगार देंगे या नहीं देंगे, उस चीज पर उनका अभी भी फोकस नहीं है। जैसे ही महामारी खत्म होती है, धक्के मार के उनको बाहर कर देते हैं, और जैसे महामारी चलती है उन सबको लाइन में आगे
खड़ा कर देते हैं, अस्पतालों में लगा देते हैं। ऐसे है हमारी सरकारें। हरियाणा के सिरसा में देखिए, वेतन व मानदेय की मांग को लेकर के आंगनबाड़ी बहनों ने अपना ज्ञापन सौंपा है। बेचारी बहनें, इनमें कोरोना का भी डर है, मास्क लगाए हैं, लेकिन इनका पैसा नहीं आ रहा है मानदेय का, जो ये रात दिन काम इनसे लिया जाता है। अब ऐसे में वो करें तो क्या करें। देखिए, ज्ञापन सौंपते हुए प्रखंड प्रधान सरला देवी, आशा रानी और सावित्री, राजबाला, कृष्णा देवी, ऐसे बहुत सी बहनें हैं, 1 सितंबर 2020 से मार्च 2021 तक केंद्र सरकार की सैलरी तथा जनवरी 2021 से बकाया मानदेय नहीं मिला है, वह दिया जाए। 2018 से ड्रेस का पैसा भी नहीं मिला है और सेंटर का किराया भी नहीं दिया गया है। सीबीई की मीटिंग का पैसा भी बकाया है, पीएमवाई का पैसा भी नहीं मिला है और बालिका मंडल लास्ट वगैरह बैच का पैसा भी अभी तक नहीं आया है, वह जल्दी दिलवाया जाए। हरियाणा का कितना बुरा हाल है, कितने भ्रष्ट लोग होंगे, अधिकारी होंगे निदेशालय में, जो इतना लापरवाही बरत रहे हैं। 2018 से पैसों का भुगतान बाकी है, 2021 चल रहा है। बताओ कैसे ये 4-4, 5-5 हजार में वर्कर काम कर रहे हैं और इतना इनका शोषण अत्याचार बढ़ रहा है, और जब ये अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं तो उनको वहां से भी भगा दिया जाता है। 2018 में बेस्ट वर्कर की प्रोत्साहन राशि भी जारी नहीं की गई, 2020 में बेस्ट मदर की प्रोत्साहन राशि दिलवाई जाए, मेहनताना 1 से लेकर 7 तारीख तक दिया जाए, सेंटर में आने वाले सैनिटरी पैड, मिल्क पाउडर की सप्लाई सेंटर में ही की जाए, मार्च 2021 तक के किराए का भुगतान कराया जाए। ऐसे चीजों को लेकर के बहनें मांग पर बैठी हैं और हमारे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं डीएम जैसे, वो बस एक नोटिस निकाल देते हैं, धरना से हट जाइए वरना नौकरी छीन लेंगे, सेवा समाप्ति कर देंगे, मानदेय रोक देंगे। और ऐसे जब लेटर आ जाते तो ये दर्शाते हैं कि आज के दौर में हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं उनके साथ में, हमारी सरकारों के साथ में हमारे बड़े अधिकारी जो देश के जिम्मेदार हैं, जिनके कंधों पर सब जिम्मेदारी रहती है, वो उनके साथ में मिलकर के जनता को लूट रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, और उनकी ही जो है देन है कि यहां पर शोषण खत्म नहीं हो रहा है। आपका आभार। और यहाँ पर ये रघुराज सिंह भाई हैं, डिस्ट्रिक्ट कासगंज से उन्होंने लिखा हुआ है, ये देखिए एक सूचना भेजी है, आवश्यक सूचना है, बैंक संबंधित एक जानकारी है, यदि आपके किसी रिश्तेदार या परिचित, इनके परिवार में हाल ही में कोई मृत्यु हुई हो, चाहे वह किसी भी कारण से बीमारी या COVID-19 से हो गई हो, तो उनके उनसे जो है बैंक के खाते का विवरण देखने को कहें। यदि उनके पासबुक की प्रविष्टि में 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में बैंक ने 12 या जो है 330 रुपया काटा हो, ठीक है, तो इसे चिन्हित करें और मृतक के परिजनों से कहें कि बैंक में जाकर के 2 लाख रुपए के लिए बीमा राशि का दावा प्रस्तुत करें। ऐसा होता है जो हमारे अकाउंट से 330 रुपया या 12 रुपये के हिसाब से इसमें इन्होंने लिखा हुआ ये कटते हैं, ये बीमे के लिए कटते हैं, लोगों को पता नहीं होता है इसके लिए 2 लाख का बीमा बैंक से निर्धारित होता है। अब यहाँ पर भाई ने लिखा है, रघुराज सिंह डिस्ट्रिक्ट वगैरह कासगंज उत्तर प्रदेश से, सर जनता को जागरूक करने के लिए है और ये वीडियो जैसे जो है यहाँ पर राहत मिले, चाहे कोरोना से या डेथ से या अन्य द्वारा, किसी भी तरह में अगर डेथ हुई हो तब भी मिलेगा पैसा, ये इस तरह से होता है आपका मुआवजे को लेकर के। और इस संबंध में मुझे याद है, पूरी तरीके से याद है, कुछ महीना पहले मैंने सरकारी आदेश भी ये वाले दिखाए हैं कि इतना इतना पैसा इस तरह से आता है, ये हमने आपको सरकारी आदेश के साथ में दिखाए हैं चैनल पर। अब वो पुरानी चीजें बार बार तो आ नहीं सकती हाथ में। देखिए 30 जिलों में स्वयं सहायता समूहों ने नहीं उठाया है राशन, आखिर स्वयं सहायता समूह वाले राशन क्यों उठाएं और कैसे उठाएं? जो हमारे बाल विकास विभाग निदेशालय में बैठे अधिकारी हैं उन्होंने जो भुगतान नहीं किया है समूह वालों को पैसे का, और यह भी नहीं सुनिश्चित किया कि समूह वालों को वो क्या दे रहे हैं, उनकी सैलरी क्या है, उनका मेहनताना क्या है, बस पैसे अंतौले ऐसे ही खातों में जा रहे हैं, उसमें उनसे हिसाब मांगा जा रहा है, उसी से दाल खरीदो, पैकेजिंग करो, सब काम करो। अब उनको यह नहीं पता कि इसमें से उनकी मेहनत का पैसा क्या है, क्या उनकी मेहनत यह है कि जो लाभार्थी का पैसा रह जाए, हक रह जाए, ना दिया जाए, वो दबा करके खा जाए, क्या मतलब किस तरीके से हक है? कोई भी सरकारी आदेश में यह जिक्र नहीं है कि समूह वालों की कमाई आखिर किस तरीके से है, उनकी मेहनत का पैसा क्या है और कहां से है, इसके बारे में कोई आदेश नहीं है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन निदेशक को पत्र लेकर आईसीडीएस निदेशक ने जताई है चिंता। तो आपके सिर्फ चिंता जताने से कुछ नहीं होता, पैसे जिनको जो पहुंचने चाहिए वो भी, और व्यवस्थाएं साफ सुथरी होनी चाहिए। पोषाहार का जो वितरण है वो आप सब भली भांति जानते हो, उत्तर प्रदेश जैसा हाल शायद ही किसी राज्य में हो। यहां पर राशन वितरण समय पर कभी नहीं हो पाया और इतने महीने बीत जाने के बाद भी आज भी समय पर नहीं हो पाता है। समय पर होने का मतलब है
हर महीने की जो है 5 तारीख के पहले 5 तारीख को पोषण उत्सव मनाओ और उसी दिन पोषाहार का वितरण हो जाए, लेकिन 2-2, 3-3 महीने के बाद में पोषाहार आता है और फिर बांटा जाता है। रायबरेली एक्सप्रेस में एक यहां पर खबर आई, रायबरेली से कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सोनिया गांधी ने पत्र लिखा है जिलाधिकारी को, तो उन्होंने देखिए क्या लिखा है। अब उन्होंने कहा सांसद निधि से 1,17,00,000 रुपए जो यहां पर देखिए 70,000 यानी एक, देख लीजिएगा मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं, अपनी सांसद निधि से उन्होंने 1,17,70,000 रुपए कोरोना महामारी से निपटने के लिए किसी भी मद में खर्च करने के लिए जिलाधिकारी से कह दिया है। यहां पर किसने? सोनिया गांधी ने। आप देख लीजिएगा ये उन्होंने अपना लेटर भी जारी कर दिया सोनिया गांधी ने, और ये आप देख सकते हो 23 अप्रैल को उन्होंने ये जारी किया, सेवा में जिलाधिकारी महोदय को भेज दिया है। अब बाकी आप लोग इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ भी सकते हो, यहां पर ये राशि भी रुपए में लिखी 1,70,77,000 रुपए। बाकी आगे चलते हैं आपको बताते हैं, पीयूष भाई हैं उन्होंने भी एक आर्टिकल अपने फेसबुक पर डाला हुआ है, यूपी में अस्पताल में भर्ती कोविड-19 मरीज के साथ महिलाओं ने किया तंत्र मंत्र और वहां पर एक जो है महिला की डेथ भी हुई है। तो आप देख लीजिएगा ये सब चीजें हैं, एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ अज्ञानता अंधविश्वास में हमारा देश अभी भी जो है भरा हुआ है, जहां पर ये तंत्र मंत्र को लेकर के भी जो है ये काम चल रहे हैं। आगे आपको बताना चाहेंगे एक और खबर आई मेरे पास, मराठा गेमर के नाम से भाई है, नंबर इसी हिसाब से मैंने सेव कर रखा, सभी कार्यकर्ता सहायिका अपनी बैंक पासबुक लेकर बैंक जाएं, उससे मुख्य पृष्ठ पर बैंक की IFSC कोड वाली सील लगवाएं, इसके पश्चात मुख्य पृष्ठ की सील वाली फोटोकॉपी सेक्टर पर जमा करें। देखो काफी बैंकों का इधर उधर विलय हो गया है मोदी सरकार के जो है रहमो करम से, जैसे तमाम विभाग खत्म कर दिए, तमाम ये खत्म किया वो खत्म किया, ऐसे बैंकों पर भी सरकार ने डाका डाल दिया, इन्होंने वो भी खत्म कर दिया, पता नहीं इनकी आगे क्या योजनाएं हैं। भैया जितना ज्यादा विभाग या बैंक या कुछ भी खत्म होगा तो उतने लोगों का रोजगार भी तो छिन रहा है, अगर वो चीज नहीं रही उसका काम किसी और में जा रहा तो उतने एम्प्लॉय भी तो कम हो गए, तो कहीं ना कहीं रोजगार जा रहा। देखिए इसमें कहना है कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के पंजाब नेशनल बैंक में उसका विलय हो गया, इसीलिए IFSC कोड चेंज हो गए, तो जहां जिन जिन बैंकों का विलय हुआ उनके IFSC कोड चेंज हो गए हैं, तो इसीलिए बैंक में जाना है, नया IFSC कोड जो बैंक का है उसकी मोहर जो है अपने पासबुक पर ऊपर लगवा लेनी है, ताकि फिर उसकी फोटो कॉपी करा करके अपना विभाग को देना होगा, जब मांगा जाए आपसे तो नया वाला IFSC कोड लगेगा, फिर उसके बाद में आपका सब पैसा वैसा आएगा। देखो PFMS पर भी यही कारण है कि आप लोगों का मानदेय चेक नहीं हो पा रहा है, वहां पर भी IFSC कोड बैंकों के काफी बदल गए और यही सब कारण है जिस वजह से आप अपना पैसा वैसा भी चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो समय के साथ में ये चीजें जब अपडेट की जाएंगी तभी आपको वो व्यवस्थाएं पुरानी वाली बहाल हो पाएंगी। उत्तर प्रदेश में मानदेय खातों में लगा था मार्च का, अभी तक सक्सेस हुआ कि नहीं इसका भी कोई अभी जवाब नहीं आया है। देखिए यहां पर अब आपको बताते हैं होम क्वारंटीन वगैरह को लेकर के आप कैसे कैसे क्या फॉलो करें। यह मैसेज एक आया हुआ है, इसमें आप देख सकते हो लिखा हुआ है जब तक SpO2 वगैरह लेवल 90 से कम ना हो तब तक रेमडेसिविर दवाई का प्रयोग करना जरूरी नहीं है, ऐसा करके यहां पर बोला जा रहा। फिलहाल के लिए हम आपको बताते हैं इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है एडल्ट के लिए मेडिसिन टू बी टेकन के हिसाब से, इसमें देखिए टाइम वगैरह भी दिया हुआ है और गोली वोली खाने के लिए सब बोला जा रहा है। फिलहाल हम ये नहीं कहते कि आप ये खाओ या ना खाओ, क्योंकि भाई इसमें हमारा कुछ भी वो नहीं है, मतलब हम कोई डॉक्टर नहीं है, तो हमारा सुझाव बस आपके लिए यही रहता है इन गोली और इनके चक्कर में ना पड़िए आप। अगर दिक्कत हो रही है तो आप काढ़ा पीजिए, साफ शब्दों में मेरा कहना है काढ़ा पीजिए बना करके, जो भी मसाले आपके यहां जैसे काली मिर्च हो गई, इसके अलावा आपके यहां जो है लौंग होगी या आपके यहां इलायची भी है, इन चीजों का आप सेवन करें, इलायची मुंह में डाल लिया आराम से या लौंग है वो डाल ली, और इसके अलावा आप अगर काढ़े का इस्तेमाल करें चाय बनाए या नहीं दूध है तब भी गर्म पानी कीजिए और उसी में अपना काली मिर्च वगैरह भी अच्छे तरीके से खोलाइए, उसके बाद में काढ़ा बना करके पीजिए, तो काढ़ा भी आप पी सकते हैं। उसके अलावा भाप जो है दिन में कम से कम 5 बार लीजिए, अगर आपको जुकाम है तो सरदर्द लग रहा है तो आप काढ़ा बनाइए और भाप वगैरह भी आप उसका भी जो है खींच सकते हो अपने बॉडी में, तो धीरे धीरे मतलब भाप से सिकाई कीजिए अपने सर की, अपने मुंह की अंदर नाक के द्वारा जो है खिंचा थोड़ा थोड़ा अंदर ले जाएंगे तो इससे सिकाई हो जाएगी। तो इन चीजों का आप जो है ध्यान रखें और खाने पीने का भी ध्यान रखें, चावल वगैरह खाना एक हिसाब से बंद कर दीजिएगा, सबसे गलत चीज तो चावल ही है। अभी देखिए PDVDF आई है तो यहां पर बोला जा रहा है कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों को ये उपचार दिया जा रहा है, तो पता नहीं दिया जा रहा या नहीं, ऐसे में
जो है काफी चीजें टहलती रहती हैं। कोरोना वगैरह देखो यहाँ पर लिखा कि आन में जो है साजिश चल रही है, ऐसे करके एक वीडियो आया है, तो वीडियो जो भी है ये सुधांशु पटेल चैनल पर कल आ जाएंगे। लेकिन इस संबंध में हम यही कहना चाहेंगे, जो भी देखो काफी जो जिन लोगों की दवाई होती है, मान ली कोई कंपनी वाला कोई दवाई बना रहा है, मान ली इसी में कोई दवाई है, अब वो क्या करेगा, फेक वीडियो फेक मैसेज फेक ऐसे लेटर बना करके भी भेज सकता है, कहेगा आप ये वाली टैबलेट खरीद लो और इतनी इतनी जो है सुबह शाम खाओ। क्यों? क्योंकि वो तो टैबलेट कंपनी बना रही है, उसकी तो सप्लाई होगी, उसकी बिक्री हो जाएगी, उसका नाम भी उठ जाएगा। तो आप देखिए इस वजह से काफी जो है फेक चीजें भी चल रही हैं। तो हमारा यही आप लोगों से कहना है, दवाई ववाई के चक्कर में मत भागिए। आपके वहां अगर जड़ी बूटी वाला जो भी सिस्टम रहता है ना, वो सब चीजों का आप सेवन कर सकते हो। नीम की जो है पत्तियां होती हैं उनका आप जो खोला करके भी थोड़ा बहुत, या 4-5 नीम की पत्तियां भी जो है खा सकते हो। ऐसे करके चीजों का सेवन करो जो आप वर्षों से करते आए हो, दाद जो है आपके बाप दादा से करते आए हैं। आगे देख सकते हो बिहार सरकार ने एक लेटर 15 तारीख को निकाला था, निदेशालय से बिहार सरकार में जारी हुआ है, और आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो माह आपका अप्रैल है, मई है और जून है, इन महीनों का जो पोषाहार है वो टोकन प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। इसका आदेश ये बिहार में निकला है 15 अप्रैल को। आप देख सकते हो सभी जो सुपरवाइजरें हैं और जो आंगनबाड़ी है इनको निर्देश दे दिया जाए टोकन वगैरह के जो सत्यापन है वो पहले कर लें, उसके बाद में पोषाहार का वितरण करना है। अब देखिए कोविड सर्वे करती हुई आंगनबाड़ी अनीता देवी बहन है, इनके द्वारा ये फोटो आई। साथ ही साथ एक और ये मेरे पास मैसेज आया, रघुराज सिंह भाई हैं उनके द्वारा आया था, इनका वीडियो भी हम सुधांशु पटेल चैनल पर कल ले आएंगे। नमस्ते सुधांशु भैया, मैं बिहार के जमुई जिला वगैरह वहां से हैं। इनका कहना है कि जो है वीडियो दोनों टाइम देखते हैं और अब वीडियो अच्छी लगती है। एक माह का इनका मानदेय आया था दिसंबर का, उसके बाद से शायद इनका ना आया हो, मानदेय चेक करते हैं तो दिसंबर तक का ही वहां पे बताता है, 2022 का नोट वगैरह रिकॉर्ड 2022 का। अरे बहन अभी तो 22 आया भी नहीं है, 2022 का आपको कहां से बता देगा। तो ऐसे ऐसे भाई लोग भी आ जाते हैं जिनकी समस्याएं होती नहीं है, वो अपने आप जो है दिमाग नहीं लगाते, उसके बाद में खुद से जो है समस्याएं क्रिएट कर लेते हैं। अभी 2022 का अपना मानदेय चेक कर रही हैं, आप बताओ इनको 2022 का मानदेय कैसे दिख जाएगा। अभी तो 2021 पूरा नहीं हुआ है और ये 2022 का मानदेय अपना चेक कर रही है, नो रिकॉर्ड फाउंड वगैरह उसमें लिख करके तो आएगा ही। अब इन्होंने लिखा है नो वगैरह लिखा है, नोट रिमोट फंड लिखता है, नोट रिमोट फंड ये कुछ नहीं लिखता है, नॉट रिकॉर्ड फाउंड लिख के आता होगा। तो फिलहाल के लिए आप देखिए ये समस्याएं हैं जो खुद की क्रिएट की हुई हैं बहनों की। एक और ये मैटर आया, चना दाल का वितरण हो रहा है यहां पर, रिफाइंड वगैरह भी बटा हुआ है, माया देवी बहन है उनके वहां से आया था। तो आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं शाम का, क्योंकि हमारी भी तबीयत कुछ ज्यादा ठीक नहीं लगती है, वीकनेस जैसा फील होता रहता है, बुखार उतना है नहीं तेज फिलहाल, कमजोरी जैसी लगती रहती है, और ऐसा शायद फ्लू वगैरह चल रहा है इस समय, उस वजह से सबको लग रहा हो, हर कोई बीमार है, चाहे आसपास देखो या कहीं पर भी देखो, किसी से भी बात करो सब एक सबके घर में बुखार जो है जुकाम बना ही हुआ है। तो फिलहाल के लिए इसका मतलब ये नहीं कि आप परेशान हो जाएं, इधर उधर भागें, क्योंकि अस्पतालों में भी कुछ भी नहीं है, वहां पर तो कोई केयर नहीं कर रहा है। इससे अच्छा है घर में रहो, उपचार करते रहो और बाहर मत टहलो, लोगों से दूरियां बना करके रखो, क्योंकि पता चला आप ठीक हो रहे हैं जुकाम बुखार से, अब दूसरा किसी को दिक्कत है उसी के साथ साथ आप बैठ रहे हो तो आप फिर संक्रमित हो जाओगे, फिर से आपको वही दिक्कतें हो जाएंगी। क्योंकि जुकाम सिंपल हो या कोरोना हो, बात तो एक ही है तो वायरस वायरस ही, वो वाला जुकाम भी वायरस ये भी वायरस, तो कहीं ना कहीं लक्षण तो आपके बने ही रहेंगे और दिक्कतें तो फिर होती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं आप धैर्य बनाओ और मैंने जैसा कहा गर्म पानी से भाप लीजिए, ये आपको बहुत ज्यादा लाभ देगा। इसके अलावा आप जो अदरक का इस्तेमाल कर सकते हो चाय में ज्यादा से ज्यादा, और इसके अलावा जो भी काढ़े वाला जो मैटर आता है काली मिर्च वगैरह जो भी है उसका डाल कि आप काढ़ा काढ़ा जो है चाय बना करके वो पी सकते हो कड़वा सा। तो ये चीजें हैं, आप लोगों को काफी इससे मदद मिलेगी। बाकी आप जो है लोगों से दूरियां बना करके रखिए।